बच्चों नमस्कार, मैं हूं नारायण पटेल, आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे भूगोल का जो दूसरा चैप्टर है, हमारी पृथ्वी, इससे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में कम से कम 2 से 3 प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। तो आज हम 37 प्रश्न वो लेकर के आए हैं जो अभी तक 2009 से अभी तक पूछे गए हैं। तो आइए फटाफट इस वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम आपको प्रश्न पढ़ेंगे और उनके उत्तर बताएंगे, और उन उत्तरों से आप अपनी तैयारी एक अच्छे मोड़ पर ले जा सकते हो। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति है तो इसको कहते हैं छत्रक शिला। तो यहाँ से ऑप्शन सी वाला आपका सही होगा। दूसरा है, विश्व के सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण तो ये है एटेना, यानी यहाँ से ऑप्शन ए वाला सही होगा। अगला है, आटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है तो ये आपका अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसका जो अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, ये देखिए 2 बार प्रश्न को पूछा गया है। सभी को मालूम है 7 महाद्वीप हैं, उनमें सबसे छोटा जो है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो यहाँ से ऑप्शन आपका ए वाला बच्चों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है तो इसका सही आंसर होगा बच्चों सहारा। ये विश्व का सबसे बड़ा जो है मरुस्थल है, पंपाज संबंधित है। ये किससे तो ये घास के मैदान का नाम है, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन ए हो जाएगा। सातवां है, कंचनजंगा शिखर की ऊंचाई कितनी है तो यह ऑप्शन ए है 8,598 मीटर, यानी ऑप्शन ए वाला जो है यहाँ से सही होगा। बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र ठंडा मरुस्थल, यानी जो ठंडा मरुस्थल उसका नाम क्या है, ये कश्मीर में पड़ता है जिसका नाम है लद्दाख। अगला है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत के नहीं पूछ रहा, दक्षिण भारत की, तो यहाँ पर हमें जो दक्षिण भारत की चोटी है वो है अनाई मुंडी, यानी यहाँ से ऑप्शन ए वाला सही होगा। अगर मैं 10वें की बात करूँ, भारत में सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र कौन सा है वो है धारवाड़ तंत्र, यानी ऑप्शन ए वाला यहाँ से सही है। अगला प्रश्न 11 है, संसार का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है तो ये है आपका नगरीकृत राज्य जर्मनी, जो कि यहाँ से ऑप्शन ए वाला सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा घास का मैदान नहीं है तो ये आटाकामा नहीं है, तो यहाँ से ये तो मरुस्थल है जो हमने पीछे देखा। अगला प्रश्न 13 है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था किसका तो ये था आपका जुरैसिक लैंड का, तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए है, भारतीय मरुस्थल को कहते हैं, यानी जो भारतीय मरुस्थल है उसका नाम क्या है, उसका है थार मरुस्थल। अगला प्रश्न है, भारत किस दिशा में स्थित है तो ये उत्तर दिशा में स्थित है, तो यहाँ से ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा देश एक महाद्वीप भी है तो जो सबसे छोटा आपका महाद्वीप है वो एक आपके देश के भी के नाम से भी जाना जाता है, जिसको कहते हैं हम लोग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या ऑस्ट्रेलिया देश। अगला है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कहाँ स्थित है तो ये है आपकी नेपाल में, जिसको हम लोग एवरेस्ट के नाम से जानते हैं। अगला है, मृत घाटी जानी जाती है, जो मृत घाटी है वो अत्यधिक उष्णता के लिए जानी जाती है, तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित को चुनिए तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी, विसुवियस इटली, ये बिल्कुल सही है, अन्य सभी का जो भी दिया गया वो सब उनका मिलान सही नहीं है। अगला है, चट्टानों के अपने स्थान से टूटने की क्रिया को क्या कहा जाता है
तो इसे अपक्षय के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑप्शन ए है। अगला है 21, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया जो महाद्वीप है, जिसमें 71 देश हैं, ये सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला है भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, इसको सिस्मोग्राफ या फिर रिएक्टर स्केल के नाम से जाना जाता है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन ए के बी ऑप्शन आपके लिए सही था। अगला प्रश्न है, यहाँ पर मोनालोआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये जो है हवाई द्वीप में स्थित है, जहाँ ऑप्शन ए सी सही होगा। विसर्प का निर्माण कौन करता है या कैसे होता है? तो यहाँ पर 24 का जो है ये ऑप्शन आपका सी वाला, यानी इसका निर्माण नदियों से होता है। अगला है, विसुवियस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये है इटली की, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा का उदाहरण नहीं है? प्राकृतिक पूछ रहा है, तो यहाँ पर बहुत आसान सा प्रश्न पूछा है, जो रेल दुर्घटना है ये आपकी प्राकृतिक आपदा नहीं है। बाढ़, भूकंप, सूखा, ये सभी हमारे जो है प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रेनाइट उदाहरण है? तो जो ग्रेनाइट है बच्चों, ये अग्नेय शैल का उदाहरण है, जो कि ऑप्शन ए में मिल रहा है। 28वां प्रश्न है, भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है? तो भारत और श्रीलंका को अलग करता है पाक जल डमरू या पाक जल संधि, लिख करके आपको आंसर में वहां मिलेगा। अगला प्रश्न है, आरावली पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो यह है गुरु शिखर, तो यहाँ से ऑप्शन सी वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, रात और दिन कहाँ बराबर होते हैं, यानी किस जगह पर रात और दिन दोनों बराबर होते हैं? तो जो हमारी विषुवत रेखा होती है, यहाँ पर दिन और रात सदैव बराबर होते हैं। अगला प्रश्न आ ही गया, विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं? सभी को याद रखना है, महाद्वीप हमारे 7 हैं, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित नदियों में से कौन दक्षिण की गंगा के रूप में जानी जाती है? जो 14 और देखिए 21 में दोनों बार पूछी गई, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो गोदावरी है नदी, इसे दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी अमेरिका एवं अफ्रीका महाद्वीप के मध्य स्थित महासागर का क्या नाम है? तो इसे कहते हैं दक्षिण अटलांटिक महासागर, जो कि ऑप्शन ए में आपके स्थित है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश संसार का कौन सा है? तो वह है रूस, फिर कनाडा, फिर चीन, ऐसे ही भारत हमारा 7वें स्थान पर आता है। अगला है, कार्यस्थली का संबंध किससे है? तो इसमें जो संबंध है वो आपका ए अग्नेय चट्टानों से, यानी ऑप्शन ए वाला सही है। अगला है, पृथ्वी की भूपर्पटी का निर्माण होता है, यानी जो भूपर्पटी होती है उसका निर्माण जो है वो सियाल से होता है, ये परतों के नाम आपको दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वी आकार की घाटी की उत्पत्ति के लिए कौन उत्तरदायी है? तो ये उत्तरदायी है नदी। कुल मिला के आज के ये 37 प्रश्न कैसे लगे? इसमें आपको हम 38 प्रश्न और लेकर के आ रहे हैं अभ्यास के लिए, जो अभी तक नहीं पूछे गए वो प्रश्न आपके कैसे हो सकते हैं, उनका वीडियो आपको जल्द ही मिलेगा। अगर आप हमारे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के जुड़ सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों, फिर मिलता हूँ आपको नई वीडियो में।